हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका सपनों की नगरी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। तो आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो अपनी लोकल ट्रेनों की होने वाली है, मुंबई की लोकल ट्रेन। तो गाइस, यही है वो जगह जहां 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके निर्दोष बेकसूर लोगों को जान ले ली थी। तो आइए नमन करते हैं उन लोगों को और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ ट्रेन का टाइम टेबल और यहीं से अपनी ट्रेन CST से चलेंगे कल्याण और आपको दिखाएंगे लोकल ट्रेन की पूरी यात्रा। तो हम आ चुके हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर और ये सामने खड़ी है अपनी लोकल ट्रेन जो CST से चलकर हमको कल्याण तक जाना है, कल्याण लेके जाएगी। तो ये खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 5 पे और 12:25 पे इसका डिपार्चर है। तो आइए चलते हैं ट्रेन के। और भाई लोग, अगर आप मुंबई आते हैं ना तो लोकल ट्रेन की यात्रा ज़रूर करिएगा, क्योंकि लोकल यहाँ की लाइफ लाइन है। तो मुंबई आए तो एक यात्रा तो बनता है लोकल ट्रेनों की। चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी के प्लेटफार्म नंबर 5 पे और यहाँ से अपनी जर्नी होने वाली है कल्याण तक। तो ये रही कल्याण की अपनी लोकल ट्रेन जिसमें अपनी जर्नी होगा और एक खुलेगी लगभग 12:25 पे। तो सभी बड़े छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए चलेंगे, आपको कल्याण तक पूरी जर्नी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसकी शुरू करते हैं यात्रा। चलते हैं ट्रेन के अंदर और देख लेते हैं इसका इंटीरियर। इसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार का है। आप देख सकते हैं लोकल ट्रेन मुंबई के। तो दोस्तों, CST से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और फिर मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट स्टेशन पे। और यहाँ पे दो टाइप की ट्रेनें चलती हैं, एक धीमी और एक फास्ट। तो धीमी वाली सभी मतलब जगह पे रुकते हुए जाती है, तो हमने फास्ट लिया है ताकि हम लोग आपको फास्ट का मज़ा दिखा सकें। और सामने वाला दोस्तों जो रूट देख रहे हैं वो है अपने एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के लिए यहाँ CST से। तो लोकल ट्रेनों का रूट अलग है और एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट अलग है। और ये देखिए दोस्तों, अपने दो लोकल ट्रेनों के बीच में रेस लग चुकी है, एक स्लो एक फास्ट। तो अपनी फास्ट वाली अपनी आगे निकल चुकी है स्लो वाले को पीछे छोड़ते हुए। तो यही है मुंबई की लोकल लाइफ लाइन। मतलब हर सेकंड पे आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, हर मिनट हर सेकंड। और ये है सेंड स्टार्ट रोड, यहाँ पे अपनी ट्रेन नहीं रुकने वाली है, सेंड हस्ट रोड। कल्याण के लिए 12:25 ट्रेन है।
है भाईखला, भाईखला से एक मतलब एक मिनट भी नहीं रुकी, भाईखला से एक मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और देख सकते हैं कितना स्पीड से इसका डिपार्च हो रहा है। आप जितना सोच रहे सकते हैं उसकी तेजी से यहाँ लोकल ट्रेन चल रही है। सामने देख सकते हैं मुंबई के बड़े बड़े फ्लैटों और बिल्डिंगों का नज़ारा। वन वर्ल्ड सेंटर, तो ये है मुंबई मेरी जान। और हम लोग स्किप कर रहे हैं परेल जंक्शन। सामने यार्ड है जो अपनी एक्सप्रेस और मुंबई मतलब दादर मुंबई सेंट्रल से जगह के लिए मतलब ट्रेनें जाती हैं उसका यार्ड है। तो सामने लगी हुई है यार्ड में अपनी ट्रेनें धुलाई के लिए। और हम आ चुके हैं दादर, दादर रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं यहाँ का स्टेशन का नज़ारा काफ़ी सुंदर और अच्छा है। दोस्तों दादर स्टेशन का भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चढ़ने वाले उतरने वाले काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ट्रेन बस मतलब आधा मिनट भी नहीं रुकी और यहाँ से अपना ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे और ये देखते हैं कितना फास्ट गजब की ट्रेन है भाई मुंबई की लोकल। डेक्कन ओडिसी, एक बार फिर अपने दो ट्रेनों की रेस लग चुकी है। यहाँ पे माटुंगा जंक्शन पे यहाँ स्किप कर रही है अपनी ट्रेन माटुंगा जंक्शन। तो
दिल्ली वाली ट्रेन वहाँ पे रुक गई, लेकिन अपनी ट्रेन रुकी नहीं क्योंकि फास्ट लोकल है। दोस्तों अभी हम आ गए थे कुर्ला, और कुर्ला से अपनी ट्रेन डिपार्ट हो रही है। और घाटकोपर से अपने ट्रेन का डिपार्च हो चुका है। और यहाँ भी लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग। विद्या विहार तो हम स्किप कर रहे हैं, विद्या विहार। ट्रेन को शानदार कर्व लेते हुए और अपने ट्रेनों की रेस लग चुकी है, दो लोकल ट्रेनों की। ड्राइवर साहब देख के अपने को मुस्कुरा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। और ये निकल चुके हैं अपनी ट्रेन आगे।
स्किप कर रहे हैं मुलुंड। और एक बार फिर रेस लग चुकी है अपनी दो लोकल ट्रेनों के बीच में, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन आगे निकलती है। और इस बार भी अपनी ट्रेन ने ही बाजी मारी है। थाड़े जंक्शन पे, और थाड़े जंक्शन को आप देख सकते हैं, यहीं से अपनी पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी और यही है वो जगह जो अपने मुंबई से थाने की पहली ट्रेन चली थी। तो स्वागत है आपका थाने में। एक मिनट का भी हॉल्ट नहीं है और यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और लोगों की भीड़ देख सकते हैं। थाने से अपनी ट्रेन का डिपार्च हो चुका है, देख सकते हैं कितना स्पीड में, और यहाँ से काफ़ी लोग उतरे हैं, काफ़ी लोग चढ़े हैं। तो ये है थाने। भाई लोकल ट्रेनों में सफ़र करने का अपना एक अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ बार बार अपनी रेस लग रही है दो ट्रेनों के बीच में। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक रेस है और अपनी ट्रेन मतलब इतना फास्ट है कि सबसे आगे निकल जा रही है। कर रहे हैं कलमा, वाओ, एक महादो सपनों का, वेरी नाइस। पहाड़ियों का नज़ारा, क्या मस्त खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा है। और ये अपनी ट्रेन एंट्री ले रही है टनल में। आप देख सकते हैं शानदार कर्व का नज़ारा, सब देख सकते हैं शानदार पहाड़ियों का नज़ारा। दिल खुश हो गया वाकई लोकल ट्रेनों में सफ़र करके। और थाने से चलने के साथ ही आप देख सकते हैं पहाड़ियों का नज़ारा, कितना सुंदर पहाड़ी है, उसके पास मकान बने हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है।
देख सकते हैं अपनी ट्रेन एंट्री ले रही है एक बड़े टनल में। शानदार और जानदार। और हम लोग स्किप कर रहे हैं मुंब्रा स्टेशन। और ये झील काफी सुंदर लग रही है सामने जो है आप। ट्रेन शानदार कर वो लेते हुए और दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है इस समय डोबी वाली में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी लोग चढ़े और उतरे, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। और मात्र आधा मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है डोंबिवली से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमने लास्ट स्टॉपेज कल्याण जंक्शन पे, और हमने वहाँ पे अपनी ट्रेन पकड़ी थी CST पे 12:30 बजे, और पूरे एक घंटे यानी एक घंटे में हमको ट्रेन ला के छोड़ दी है कल्याण जंक्शन पे। तो मात्र एक घंटे में हम यहाँ पे आ गए और यह है कल्याण जंक्शन। तो आपको सफरवा अच्छा लगा हो तो सफरवा को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आया। तो यहीं पर इस जर्नी का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।